बहुत वीक, बहुत डिसअपॉइंटिंग। कैसी लगी कुत्ते? एकदम बकवास जी। चलेगी नहीं पिक्चर कि जब भी जितने भी सारे आर्टिस्ट हैं उसको वेस्ट किया गया है, उससे काम अच्छा नहीं लिया, डायरेक्टर स्टोरी कुछ दम ही नहीं है, वीक, एकदम वीक है। फिल्म के अंदर धां 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 गाली गलौज यही है फिल्म के अंदर। एक करप्ट मतलब करप्शन के ऊपर दिखाई गई पिक्चर ये, कि दुनिया करप्शन कर रही है, पैसे के ऊपर लड़ रही है, मर रही है, एक दूसरे को मार रही है। काम जो है, जितने भी एक्टर्स हैं इस फिल्म में सबका नाम बहुत है, और तबू हो गई, नसीरुद्दीन शाह जी जो हैं और कुमुद मिश्रा जी हैं और बाकी जितने भी कैरेक्टर एक्टर्स हैं वो सब अपने आप में इतने जाने माने लोग हैं। और जो ट्रेलर देखा था उससे एक्सपेक्टेशन इतनी हाई थी इस फिल्म की, क्योंकि विशाल भरद्वाज जी का भी नाम जुड़ा हुआ है इस फिल्म में, उनके बेटे की ये फिल्म है, तो लग रहा था कि एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन होने वाला है, पर जितना हाई ट्रेलर ने बनाया था फिल्म उतनी ही वीक है, उतनी ही डिसअपॉइंटिंग है। अच्छी है कुत्ते, क्या पसंद आया? ओवरऑल स्ट्रक्चर पसंद आया, शॉर्ट है, क्रिस्प है, अच्छा लगा। बहुत 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 ज़्यादा बढ़िया। आई थिंक जहाँ पे टब्बू, विशाल भारद्वाज, कोंकणा सेन शर्मा, गुलजार, ये सब मिल जाए तो मतलब एक करिश्मा होना ही है, तो वो करिश्मा हो गया। मुझे लगता है कि मूवी निश ऑडियंस के लिए है, एक तो एडल्ट्स है और इसमें काफ़ी अब्यूजिंग लैंग्वेज, डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज़ की है, बट वो दिखाया कि जैसे करप्ट लोग इतना मतलब मार धाड़ करते हैं, इतने लोगों का कत्ल करते हैं, बट इन दी एंड उसका नतीजा अच्छा नहीं होता, तो वही दिखाया गया और बहुत मज़ा आया देख के। और पूरा पिक्चर में गालियाँ बोलते हैं और गोलियाँ चलती है बिना वजह, कोई स्टोरी में कुछ है ही नहीं, जैसा शोले पिक्चर आई थी बहुत साल पहले और वो इसी टाइप की थी लेकिन अच्छी चली थी ना वो, उसमें कुछ दम था पिक्चर में, इसमें दम पिक्चर में स्टोरी में, इसके लिए लोग आते नहीं ना पिक्चर थिएटर में, क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि साउथ की पिक्चर क्यों चलती है, उसमें कुछ अच्छा कुछ रहेगा उसमें कुछ, इसमें कुछ है ही नहीं, इतना पैसा वेस्ट गया हमारा, ऐसा बोल सकते हैं। इसमें अर्जुन कपूर है, राधिका, हाँ अर्जुन कपूर इतना अच्छा है, अर्जुन कपूर है और तब्बू है, नसीरुद्दीन शाह है, काम अच्छा ही नहीं लगा, सब वेस्टेड है, और डायरेक्टर ने काम लेने को नहीं आया डायरेक्टर। एक्शन कैसे थे मूवी के? अभी क्या एक्शन, खाली गोली चलती है उसको एक्शन नहीं बोलते ना फिर, और गालियाँ बोलते हैं, गालियाँ बोलने से पिक्चर एकदम वल्गर हो जाती है, एड्रेस बन जाते हैं ना, फैमिली के साथ देख नहीं सकते। सॉन्ग्स कैसे लगे? सिर्फ एक ही सॉन्ग है, वो भी खास नहीं है कुछ, एक वीक में उतर जाएगी पिक्चर। डायरेक्शन? वही तो बोल रहा हूँ, डायरेक्शन तो कुछ भी नहीं है उसमें। डायरेक्शन जो है यहाँ पे मुझे थोड़ी सी वीक लगी है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है पूरी फिल्म का, और कहीं ना कहीं इस फिल्म में जो है अनुराग कश्यप की जो फिल्म है अगली, उसका एक जो सटल छाप है वो देखने को मिलती है, क्योंकि अगली फिल्म में हमने देखा था कि हर कैरेक्टर का अपना एक डार्क शेड है, हर कैरेक्टर अपने आप में अगली है, यहाँ पे भी वैसे ही दिखाया गया है कि हर कैरेक्टर जो है अपने आप में एक कुत्ता है, जैसे हम सिम्बॉलिकली कहते हैं कि अपॉर्चुनिस्ट कुत्ता है, कि अपने मतलब के लिए कब वो कैसे रंग बदलेगा, फ़ायदा उठा लेगा, वैसा वाला कुत्ता है। तो प्रिमाइस जो इस फिल्म का वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है, पर जिस तरीके से उसका एग्जीक्यूशन है, जो एडिटिंग है, जो स्टोरी टेलिंग का तरीका है, वो बहुत वीक है। थोड़ा सा मॉडर्नाइज तरीके से स्टोरी टेलिंग की कोशिश की गई है, जैसा कि हम अभिनय देव जो हैं उनकी फिल्मों में देखने की वो देखते हैं, तो बट यहाँ पर उतनी जमी नहीं है इस फिल्म में। सभी का काम अच्छा है, सभी का काम वैसे देखा जाए तो ओवरऑल अच्छा ही है। नहीं ऐसे डायलॉग तो कोई ऐसा कुछ रिमेम्बर, ऐसा याद रहेगा ऐसा कोई ये नहीं है। इवन म्यूज़िक थोड़ा फॉरगेटेबल टाइप सा है, क्योंकि जैसे विशाल भारद्वाज के मतलब जैसा उनका म्यूज़िक रहता है वैसा नहीं है, बट फिर आप समझना चाहिए कि आसमान भारद्वाज जो उनके बेटे हैं उनका ये फिल्म फर्स्ट फिल्म है। अर्जुन कपूर, ओ माय गॉड, अर्जुन कपूर से हमें प्यार हो गया, इतना बढ़िया रोल किया पहले एक विलन रिटर्न्स में, लोग उनको कितना भी ट्रोल करें आई थिंक ही इज़ अनडेटेड बाय क्रिटिसिज्म, और वो उनका ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो अर्जुन कपूर का मुझे रोल बहुत अच्छा है। और टब्बू, ओ माय गॉड, आई थिंक टब्बू, देखिए उन्होंने विशाल भारद्वाज के बेटे आसमान भारद्वाज ने मूवी डायरेक्ट की, इससे पहले विशाल भारद्वाज ने कमीने, ओमकारा, मकबूल जैसी मूवीज़ बनाई है, और जैसे मैंने कहा कि जहाँ टब्बू, विशाल भारद्वाज, गुलजार ये सब एक साथ आ जाएँ, कोंकणा सेन शर्मा का रोल और थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, वो सेकेंड हाफ में टूवर्ड्स दी एंड आई हैं, बट जितने भी किरदार हैं, राधिका मदन जी भी हैं और नसीरुद्दीन शाह, और उनका भी छोटा ही रोल था, फिर एक शर्दुल एक्टर हैं, तो सबके रोल मुझे इतने बढ़िया लगे, लेकिन अर्जुन कपूर तो छा गए बिल्कुल, मतलब इतना रथलेस कैरेक्टर, वो एक करप्ट पुलिस ऑफिसर हैं, टब्बू भी एक पुलिस ऑफिसर है, और दिखाया कि कैसे करप्शन, यू नो, तो बहुत बड़ा मज़ा आया मूवी देख के, और म्यूज़िक हमेशा की तरह बहुत बढ़िया है, विशाल भारद्वाज का म्यूज़िक है, सिनेमेटोग्राफी बिल्कुल रियल रॉ, बहुत ही रियलिस्टिक है,
तो फरहाद दहलवी जो इसके सिनेमेटोग्राफर हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा दैट इट इज़ वंडरफुल द वे, इतनी डार्क मूवी है बट आई थिंक जो कोर बात है, जो मैसेज है सोसाइटी को देने के लिए कि ये सब जो भी मर्डर्स हुए हैं, सीरीज ऑफ मर्डर्स मूवी में दिखाए गए हैं, मार धार दिखाई है, इन दी एंड जब नोटबंदी हो जाती है, आई डोंट वांट टू रिवील द स्टोरी बट वॉट एवर इट इज़, मतलब बहुत मज़ा आया देख के। और अर्जुन कपूर तो आई थिंक इट्स द बेस्ट रोल ऑफ हिज करियर आई वुड से। डायलॉग्स बहुत ही बोल्ड हैं और जैसे मैंने कहा बहुत ही अब्यूजिव लैंग्वेज है, बट देन अगेन वो जो स्टोरी का जो स्टोरी है, स्क्रिप्ट है, वो उसी तरह से लिखी गई है, तो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी मूवी। और सभी डायलॉग्स मुझे बहुत पसंद आए, बहुत ही बोल्ड डायलॉग्स हैं और आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़। मतलब 2023 की क्या शुरुआत हुई है, मज़ा आ गया मूवी देख के। कुत्ते का एक्शन कैसे लगा आपको? बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। आई मीन वो इतना रियलिस्टिक लगता है, आपको लगता है कि आपकी आँखों के सामने हो रहा है, मतलब बिल्कुल। तो एक्शन सीन्स भी बहुत अच्छे से शूट किए गए हैं, सिनेमेटोग्राफी बहुत ही रियल है और डायरेक्शन बहुत ही अच्छा। आसमान भारद्वाज, जो विशाल भारद्वाज जैसे टैलेंटेड रिनाउंड डायरेक्टर के बेटे हैं, उन्होंने साबित कर दिया कि उनके जो जीन्स है, ब्लड में अपने पिताजी का खून है, रेखा भारद्वाज उनकी मदर है, मतलब पूरी फैमिली में टैलेंट का भाव है। तो डायरेक्शन बहुत अच्छा है और अर्जुन कपूर का रोल, जैसे मैंने कहा, आई वॉन्ट टू रीट्रेट अगेन एंड अगेन, ही इज़ जस्ट अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। हर मूवी से कुछ ना कुछ सीख मिलती है, इस मूवी से आपको क्या सीख मिली? ये सीख मिली कि एंड, मतलब आप कितना भी यू नो शॉर्टकट ढूंढिए या यू नो करप्शन में यू नो कुछ भी करिए, इन दी एंड उसका बुरा ही होता है नतीजा। और बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं मूवी में कि कुछ लोगों को शायद, दैट इज़ वाई एम सेइंग इट्स फॉर निश ऑडियंस, बट देन अगेन कमीने भी निश ऑडियंस के लिए थी, ओमकारा भी, बट दोस मूवीज वर सो सक्सेसफुल। तो ये मूवी को क्रिटिकल एक्लेम तो मिलेगा ही लेकिन लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। तो आई वुड से कि डोंट मिस दिस मूवी, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवीज। मतलब 2022 इतने पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट हुआ है तो बहुत मज़ा आया मुझे देख के। नसीर साहब तो एक दो सीन के अंदर ही हैं लेकिन जो भी हैं धुरंधर एक्टर हैं, जो भी उन्होंने काम किया बढ़िया किया एक दो सीन के अंदर। हाँ वो जो सब ये मंजे हुए एक्टर हैं, स्टेज के कलाकार हैं, सबने बढ़िया काम किया, जिसको जब डायरेक्टर ने काम दिया ना उन्होंने वैसा ही काम किया। एक्शन अच्छा है, एक्शन इज गुड, डायरेक्शन भी अच्छा है, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, द एंसेंबल कास्ट जो भी कास्ट है पूरा वो भी बहुत बढ़िया है, अच्छा है। कुत्ते को 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स दूंगा, मुझे बहुत ही बढ़िया मूवी लगी और 0.5 स्टार सिर्फ और बेहतर बन सकती है इसलिए मैंने काटा, बट परफेक्ट लगी मुझे, कहीं भी कोई फ्लॉ नहीं लगा, बहुत ही बढ़िया। सॉन्ग्स तो कोई याद ही नहीं है क्योंकि सॉन्ग्स के जो मायने हैं इस फिल्म में वो कब आते हैं, कब सॉन्ग्स कब आते हैं, कब चले आते हैं, ये हमें मालूम ही नहीं पड़ता है। और सॉन्ग्स के बारे में स्पेशली हम देखना चाहेंगे कि ये विशाल भारद्वाज जी की एक बहुत गहरी छाप दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि जैसे हम टिपिकल देखते हैं विशाल भारद्वाज जी की फिल्मों में कि कोई एक सीन चल रहा होता है, वो भले ही एक्शन हो या तो फिर कोई रोमांटिक सीन हो, उसको स्लो मोशन के साथ में पीछे से एक गाना सटल तरीके से चल रहा होता है और जो उस सीन को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। यहाँ पर भी एक बहुत मेजर यूज़ हुआ है उस टेक्निक का, बट बहुत ही वीक गाने हैं और जो लिरिक्स है वो काफ़ी वीक है, म्यूज़िक काफ़ी वीक है, तो इस चक्कर में वो जो है वो उस फिल्म को आगे नहीं लेके जा पाता।